गुजरात में जब विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो उम्मीद जताई गई कि बीजेपी किसी वरिष्ठ विधायक को सीएम बनाएगी, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव एक साल बाद ही होना है। लेकिन पार्टी ने वरिष्ठ विधायक की जगह पहली ही बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को सीएम पद की जिम्मेदारी दी और अब भूपेंद्र पटेल ने भी सभी को चौंकाते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान पूरी सरकार का चेहरा ही बदल दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में रूपाणी सरकार के किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हो ही गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दरकिनार करते हुए भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में 24 मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री हैं। सभी को आज शपथ दिलाई गई। वैसे शपथ ग्रहण समारोह पहले कल बुधवार को आयोजित होना था, लेकिन पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल की नाराजगी के चलते इसे टालना पड़ा। नितिन पटेल इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, जबकि रूपाणी की नाराजगी अपने किसी भी समर्थक को नई सरकार में जगह न दिए जाने को लेकर थी। बुधवार को भले ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण टल गया हो, लेकिन आज नए मंत्रियों को शपथ दिला दी गई, जिसमें रूपाणी सरकार में शामिल किसी भी मंत्री को जगह नहीं दी गई है। यानी नई सरकार में सभी मंत्री भी नए हैं। सभी मंत्रियों को 5-5 के गुट में शपथ दिलाई गई और इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम राजेंद्र द्विवेदी का है, जो अब तक गुजरात विधानसभा अध्यक्ष थे और मंत्री बनने से एक घंटे पहले ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल सरकार में राजेंद्र त्रिवेदी का दर्जा 2 नंबर का होगा। जिन विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनमें राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू भागानी, राघव पटेल, पूर्णेश मोदी, नरेश भाई पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चव्हाण, ऋषिकेश पटेल, कनू भाई देसाई और किरीट सिंह राणा। इसके अलावा 14 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया है, जिनमें हर्ष सांघवी, ब्रजेश मेरजा, मनीषा वकील, जगदीश भाई पांचाल, जीतू भाई चौधरी, निमिषा सुतार, मुकेश पटेल, अरविंद रेयाणी, कुबेर डिंडोर, कीर्ति सिंह बाघेला, गजेंद्र सिंह परमार, देवा भाई मालम, राघव जी मकवाना और विनोद भाई मोराडिया हैं।